मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल को स्वतंत्रता दिलाने और उसको एक आजाद मुल्क बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था, लेकिन वही पश्चिम बंगाल वहां रह रहे हिंदुओं के लिए मुश्किलें पैदा करने लगा है। हिंदुस्तान ने जिस पश्चिम बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं को वहाँ काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। दुर्गा उत्सव के दौरान दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ की गई है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ देश और दुनिया में काफी विरोध देखा जा रहा है। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला दहन किया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदुओं की मदद भारत सरकार को करनी चाहिए और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाने की जरूरत है। के माध्यम से आज पूरे भारत में आह्वान किया गया कि जो बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति आज यह विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन और ज्ञापन महामहिम श्री राष्ट्रपति जी महोदय के नाम से एक ज्ञापन यहां प्रेषित किया गया, जो हिंदुओं के ऊपर लगभग बांग्लादेश में एक हफ्ता के अंदर 22 जिलों में, बांग्लादेश के 22 जिलों में लगभग 150 मंदिरों को, मंदिरों में, दुर्गा पंडालों में आगजनी घटनाएं, बलात्कार, माताओं बहनों की अत्याचार जो हो रहे हैं उसको वहाँ पर ख़त्म कराने के लिए यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं उनको एक, उनका एक वाजिब मुजा, उनके एक जो जनहानि हुई है उसका मुआवजा निश्चित कर और उनको उस मुआवजे की रकम दी जाए, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा की चिंता की जाए। ऐसे एक यहाँ से ज्ञापन में प्रेषित करते हुए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा। पंकज श्रीवास्तव, विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। पुतला दहन भी किया इसी विरोध में।